तो जब अमेरिका बिल्कुल हमारे बगल में बैठा था, गले में हाथ डाल के, तब हमने खुशियां नहीं मनाई, नहीं। आज अमेरिका आंखें दिखा रहा है, हम गम नहीं मना रहे। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। देखिए, इस हाथी का वजन इतना है कि अमेरिका से हिलेगा नहीं है। देखिए, कभी कभी अमेरिका भी ना अपने वजन को बहुत ज्यादा आंक लेता है कि गोरा साहब वहां से फरमान जारी करेगा कि एडवाइजरी ट्रेवल की, तो इंडिया वाले कांपना शुरू कर दे। ओए यार, हटो, खत्म करो यार, ये डराना डुराना बंद करो, दिन चलेगा, लद गए। अरे ऐसे क्या क्या होगा, ये ट्रैवल लग हट जाएगी। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान अब पिछले दिनों जिस तरह पैसे के लिए सारी दुनिया में गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान को कहीं से भी मदद मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी। IMF ने भी हाथ पीछे खींच लिए थे और चाइना भी पाकिस्तान को और कर्जा देने से परहेज कर रहा था। ऐसे में एक बार फिर से पाकिस्तान को IMF से कुछ पैसे मिले, लेकिन उसके बाद जिस तरह अब पाकिस्तान के चाहे आर्मी चीफ हो, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हो, या पाकिस्तान के PM आए दिन विदेशों में दौरा करते हैं, और एक तरफ जहाँ पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी उसको दिखाकर उस पर भी एक तो फंड इकट्ठा करने की पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई थोड़ी बहुत मदद तो पाकिस्तान को मिली है, लेकिन उस तरह की फंड नहीं मिला जो पाकिस्तान को उम्मीद थी, क्योंकि पाकिस्तान अब दुनिया भर में भरोसा खो चुका है। तो दोस्तों, अब जिस तरह बाहर देशों में घूमकर पाकिस्तान के नेता लोग भी जितना अपना खर्चा पाकिस्तानी लोगों का पैसा खर्च पानी की तरह बातें हैं, उस पर भी पाकिस्तान में काफी सवालिया निशान उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नेता जिस तरह भारत को आगे बढ़ने में आगे भारत को तरक्की की राह दिखा रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में आए दिन चर्चा हो रहा है। और जिस तरह भारत अब 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुका है और 3रे नंबर का टारगेट अब भारत के निशाने पर है, इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया आए दिन चर्चा करता रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मेजर गौरवारिया और कमर चीमा के बीच में एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार डिबेट है, तो चलिए दोस्तों हम आपको वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वेस्ट का, वेस्ट जो इंडिया को इंपॉर्टेंट समझता है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज बिकॉज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, इट इज बिकॉज ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट इज बिकॉज ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, इट इज बिकॉज ऑफ इंडियाज सप्लाई चेन रेजिलेंस, इट इज बिकॉज ऑफ इंडियाज ट्रेड। तो जो हमने हमारे इंटरनल, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, ये पाकिस्तानी रेंजर्स है ना पाकिस्तान में, तो माई फादर, गॉड ब्लेस हिज सोल, अब वो नहीं है इस दुनिया में पिताजी मेरे, तो माई फादर वॉज डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो वो भी तो वहां पे जो रेंजर्स के DG थे और इनकी मीटिंग होती रहती थी हर साल, कभी ये लोग उधर जाते थे कभी उधर जाते थे। तो ऐसी किसी ने ऐसी कमेंट करा वहां पे ना कि पाकिस्तानी ने, कि कुछ बातें चल रही थी कार्स के बारे में, क्योंकि तो पाकिस्तान में तो जबरदस्त गाड़ियां थी, हमारे पास तो एम्बेसडर और फिएट थी, हमारे पास तो जो गाड़ियां थी वो तो बहुत भारी वजन की थी, तेज भी नहीं चलती थी, बड़ी अनकंफर्टेबल होती थी, सेफ्टी तो ऊपर वाला ही मालिक है उस सेफ्टी का। उस समय पाकिस्तान में बड़ी तेज तेज गाड़ियां, मतलब इंपोर्टेड गाड़ी चलती थी। लेकिन तो मैंने बोला कि फिर ऐसा बोला क्यों, मैंने पूछा अपने फादर से, कि मैंने बोला पापा ऐसा क्यों है, मतलब कि कह रहे ठीक है, देखिए बात यह होती है कि समय लगता है, लेकिन एम्बेसडर ऑफ फिएट हमने खुद बनाई है, और धीरे धीरे बनाते 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 हम लोग यहां पर पहुंच गए कि इंडिया में मर्सिडीज भी बन रही है, BMW भी बन रही है, मतलब कोई ऐसी दुनिया की गाड़ी नहीं जो इंडिया में नहीं बन रही। क्योंकि एक जमाने में हमने ये बोला था कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और हम एम्बेसडर ऑफ फिएट में ही चलेंगे, वो जो दो दो तीन तीन टन का जो भारी मॉन्स्टर हुआ करता था एम्बेसडर की, फ्लैट टायर हो जाए चीमा साहब, आप धक्का नहीं दे सकते उस गाड़ी को, उसके लिए दो तीन पहलवान चाहिए, वो इतनी भारी गाड़ी थी। तो ये क्या है कि हम लोगों ने अपना इकोसिस्टम डेवलप करा है ना। और एक मुझे लगता है कि इंडियन कॉम में एक चीज है चीमा साहब, फॉर ऑल, एक हमारी बड़ी अच्छी क्वालिटी है जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो क्रीम है ना, अशराफिया जो आपका जो टॉप लोग हैं, उसमें नहीं है चीमा साहब वो क्वालिटी। वी कैन लिव विद इन आवर मींस, मींस हम लोग, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, वी लिव विद इन आवर मींस। अगर मेरी औकात 100 रुपए की है ना, मैं 100 रुपए में रहूंगा, ठीक है। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो टॉप आपके हैं, कोई भी हैं, दे लिव बियॉन्ड देयर मींस, बहुत ज्यादा लैविशनेस है। आप बॉम्बे में चले जाइए, आप देखिए जितने भी करोड़पति अरबपति हैं बॉम्बे में, पीपल विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो आपको हाफ शर्ट पहन के, चप्पल पहन के, आपको लेदर की चप्पल पहन के सड़क पर चलते हुए दिख जाएगा आदमी, फिर आपको पता लगेगा अच्छा है 15 अरब डॉलर का आदमी है ये, आपको ऐसे ही दिख जाएगा, मतलब ठीक है अपनी गाड़ी से उतरा, हो सकता है रोल्स रॉयस हो उसके पास कोई गाड़ी हो, लेकिन नो तामझाम, नो शोशा, नो नथिंग, नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल, मतलब
वो नहीं है। हाँ कुछ कुछ यहाँ पे भी हैं लोग जिनको शो ऑफ ऑफ करने की आदत है, वो दिल्ली का थोड़ा सा ज्यादा कल्चर है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। तो वी हैव डेवलप्ड आवर ओन दिस थिंग ना, भूखे भी रहे हैं काफी, बात ऐसी बात नहीं है चीमा साहब, वी आर अ वेरी वेरी पुअर कंट्री एट वन पॉइंट इन टाइम। फ्लाईओवर के नीचे लोग दिखते थे, आजकल कम दिखते हैं, एक जमाने में बहुत दिखते थे, आधा मुल्क भूखा सोता था एक समय पर, बहुत पहले फैमिन में लोग मरते थे, भुखमरी से लोग मरते थे, लेकिन वी हैव गॉटन ओवर दैट, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। तो ये अब अमेरिका नहीं कर सकता कि इसको इसके बराबर इसको खड़ा कर दिया। हमने वो जो नंगे पैर आग के शोलों पे चलना था ना चीमा साहब, वो जर्नी हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब कोई ये बोले कि इंडिया को धक्का देके ऐसे दो, वो किस चीज पे अमेरिका बोलेगा, हमारा खुद का कमाया हुआ है ना। इट इज नॉट इंडियाज पोजिशन इज नॉट फॉर अमेरिका टू गिव और टेक अवे, दैट इज द पोजिशन दैट वी हैव अर्न्ड बाय हार्ड वर्क। तो अमेरिका हमें ना कुछ दे सकता ना कुछ ले सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बेसर, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगो, जो सवाल मैं एक और इसी कॉन्टेक्स्ट में करना चाहता हूँ, जी जी और वो सवाल ये है कि आपने कहा बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जैसे जर्मनी ने बात कर दी, अमेरिका ने रिसेंटली एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, तो जी वो इंडिया के लिए भी जारी की और पाकिस्तान के लिए भी जारी की। जो इंडिया के लिए जारी की उसमें लिखा दो बड़े थ्रेट्स लिखे के अमेरिकन को कहा कि एक जी वहां दहशतगर्दी है, एक जी वहां पे रेप रेप हो रहा है, और जो पाकिस्तान में ट्रैवल एडवाइजरी जारी की उसमें भी टेररिज्म है एंड सेक्टेरियन वायलेंस। ठीक है, तो जब अमेरिकन ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हैं, ठीक है, तो वो दोनों मुल्कों की एक जैसी ट्रैवल एडवाइजरी है, लगभग एक ही चीज है ना, मतलब ठीक है हमारा सेक्टेरियन है, उधर रेप है या टेररिज्म है, टेररिज्म है भाई। हिस्टोरिकली तो वो उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, इंडिया में तो है ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब जब अब फॉर इंस्टेंस अब इंडिया इसकी क्या डिस्क्रिप्शन देता है या इसको कैसे जस्टिफाई करता है, या मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इंडिया के अंदर इस पे किया, मैंने सोशल मीडिया में देखा लो शिकागो में ये हो रहा है, लॉस एंजलिस में ये हो रहा है, तुम इंडिया की बातें कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ भी इतनी शूटिंग्स हुई, वो बिल्कुल उसकी जारी बात है, लेकिन इवन देन एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गो टू यूएस ना, वो एक कल्चर है डेवलपिंग वर्ल्ड में। तो आप नहीं समझते कि ये जो चीजें वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट डेलिब्रेटली एंड ऑन पर्पस? कोई बात नहीं चीमा सर, ये सब शांत हो जाएगा। देखिए ऐसा होता है ना, दूध का उफान है ये। तो जब अमेरिका बिल्कुल हमारे बगल में बैठा था गले में हाथ डाल के, तब हमने खुशियां नहीं मनाई, नहीं। आज अमेरिका आंखें दिखा रहा है, हम गम नहीं मना रहे, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। देखिए इस हाथी का वजन इतना है कि अमेरिका से हिलेगा नहीं है। इस साल चीमा साहब 1.25 से लेकर 1.5 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर में आए हैं। 1.25 से लेकर 1.5 करोड़ टूरिस्ट हैव कम टू कश्मीर। तो आप समझ लीजिए कितना टूरिज्म है जिस जगह को वो बोल रहा आतंकवाद। हाँ टेररिज्म है कश्मीर में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज टूरिज्म 75 साल में इतना टूरिस्ट नहीं आया। तो एंड देयर इज डेटा टू प्रूव व्हाट आई एम सेइंग, मैं अपने मन से फिगर्स नहीं डाल रहा, देयर इज डेटा टू प्रूव। तो चीमा साहब ऐसा है कि जी, तो आप बात करें फिर मैं बात। चीमा साहब ऐसा है कि एडवाइजरी है, बिल्कुल है, मैंने देखा है। और ये जो रेप की उन्होंने बात करी है इंडिया में ना, और ये तो डिफेंसिबल नहीं है कि हम बोले अमेरिका में भी तो रेप होते हैं, है ना। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि घिनौनी चीज है, बदतरीन चीज है, ये नहीं होनी चाहिए, चाहे भारत में हो, पाकिस्तान, अमेरिका, कहीं पे भी हो, किसी भी लेडी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और इंडिया में हो रहा है तब भी गलत है, अमेरिका में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है तब भी गलत है। ये सब जो है ना कि हम इंडिया के एडवाइजरी करेंगे और पास कर देंगे ट्रैवल एडवाइजरी, ठीक है, इट्स ऑल राइट। उससे देखिए हमारी सेहत को, आर इकोनॉमी इज गोइंग एज प्लान्ड, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वैसी चल रही है, हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स वही चल रही है, हमारा मुल्क वैसे चल रहा है। देखिए कभी कभी अमेरिका भी ना अपने वजन को बहुत ज्यादा आंक लेता है कि गोरा साहब वहां से फरमान जारी करेगा कि एडवाइजरी ट्रेवल की, तो इंडिया वाले कांपना शुरू कर दें। ओए यार हटो, खत्म करो यार, ये डराना डुराना बंद करो, दिन चले गए, लद गए, अरे ऐसे क्या क्या होगा, ये ट्रेवल एडवाइजरी हट जाएगी 2 महीने में, 2 महीने में हट जाएगी, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके। चीमा साहब पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, डेफिनेटली इट्स अ नेगेटिव। अगर मैं आपको बोलूं नेगेटिव नहीं है तो फिर मैं गलत बात कर रहा हूँ, फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। डेफिनेटली इट्स अ नेगेटिव। ऑल आई एम सेइंग इज ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना वर्क, समझते हैं वर्क, वो मिठाई के ऊपर नहीं लगाते वो वर्क सर, हाँ ये हाँ ये वर्क लगा रखी है, हट जाएगी, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसका फ्लेवर नहीं है, ऊपर से चमकती है बस, ये इट हैज नो दिस थिंग। तो सिर्फ सुंदर लगने के लिए ना, खूबसूरत लगने के लिए वर्क लगाते हैं, मिठाई थोड़ा ना, हमें अच्छा, पता है। इसमें जो आपने मेरे सब ये बात की, जो टूरिज्म की बात की, मैंने भी ये स्टेटमेंट अमित शाह साहब की देखी थी रिसेंटली भी। अमित शाह साहब ने जब
जब नेशनल रजिस्ट्रार से एनआरसी के बारे में बातें हुई और बहुत सारी जब बातें, तो इंडियन पार्लियामेंट में उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स दिए थे, दे वर रॉन्ग, दे वर प्रूवन फैक्चुअली रॉन्ग, कि जी पाकिस्तान में जो है वो कितनी माइनॉरिटी है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा आई थिंक 34% के 37%, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मैंने इंडिया टूडे की एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि, और आई स्टिल हैव दैट रिपोर्ट विद मी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी कलेक्टिवली इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में इतने माइनॉरिटीज थी, जिसमें पाकिस्तान में 13% या 11% या 14% थी या कुछ इस तरह का, और अभी वो जो है वो कम हो गई है. तो फैक्चुअली उन्होंने कहा कि ये डाटा गलत है. तो ये जो डाटा आता है, फॉर इंस्टेंस जो अमित शाह साहब ने जो बात की, ये कहाँ से डाटा आता है? ये कोई इंडिया का वो, ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, ये कश्मीर से डाटा आता है? फ्रॉम वेयर डज द डाटा कम इन दैट कॉन्टेक्स्ट? जो आई एम नॉट अवेयर चीमा सर, मेबी देयर इज अ ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक्स यहां से. तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी चाहे भले ही आए दिन अपने इंडिया के बारे में अपना राग अलापता रहे, लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान कोई भी किसी भी तरह का मसला नहीं रहा है. भारतीय चाहते भी नहीं है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह पाकिस्तान का नाम लिया जाए, क्यों? पाकिस्तान आज हालात बिल्कुल अपनी पतली कर चुका है और उसके साथ साथ दुनिया भर में अपना भरोसा भी खो चुका है. दोस्तों अगर दुनिया में अब थोड़ा बहुत भरोसा पाकिस्तान बचा लेता और अपनी इज्जत बचा लेता तो भी पाकिस्तान के पास सुधरने का चांस था, लेकिन अब लगता नहीं है कि पाकिस्तान के हालात किसी भी तरह सुधरेंगे. तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम.